हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आज मैं अपने ब्लॉग में कुछ आपको नया दिखाने वाली हूँ। मैं अपने ब्लॉग में आज छोटा सा होम टूर कराने वाली हूँ, जो मेरा छोटा सा है पर बहुत ही क्यूट सा है। तो आज मैं आपको अपने होम का टूर कराती हूँ। तो चलिए जुड़े रहिए, दिखाते हैं अभी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपना छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा सपनों का महल, जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा महल ही है, किसी महल से कम नहीं है। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा एंट्री गेट, ये मेन गेट है। काफ़ी बड़ा तो नहीं है, बट जो भी है ठीक है। तो ये हमारा हॉल है, जिसको हम बेडरूम बना दिए हैं। तो यहाँ पे हम सोते हैं, हमारा लड्डू यहाँ हम रहते हैं। तो ये राइट साइड में हुआ जो बेडरूम है हमारा, और ये हमारा रहा लेफ़्ट साइड में किचन। तो पहले हम चलते हैं हॉल दिखाते हैं। तो ये हमारा हॉल रहा, ये मेन गेट से हम अंदर आए, और ये हमारा हॉल है। और ये हमारा बेडरूम है। तो ये हमारा यहाँ पे सिंगल बेड है, इसमें डबल था तो हमने सिंगल बाहर में था तो हमने सिंगल अंदर कर दिया है और डबल बाहर कर दिया है। और ये हमारा रहा ड्रेसिंग टेबल, जिसमें हम खड़े होकर मेकअप करते हैं। बट मेकअप ज़्यादा तो नहीं करते, पर थोड़ा बहुत जो भी करते हैं तो हम यहीं पे करते हैं। तो ये हमारा रहा ड्रेसिंग, और ये हमारी अलमारी, और ये हमारा छोटा सा रूम। काफ़ी बड़ा तो नहीं है, पर जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है। कहते हैं अपना छोटा सा घर, अपनी एक छोटी सी कुटिया भी, अगर वो कुटिया रहती तो महल जैसी लगती है। तो ये हमारा छोटा सा घर था, रूम था। और इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से निकलते हुए अब हम चलते हैं, ये फिर हम हॉल में आ गए। और हमारी ये पूरी वॉल खाली है, बस छोटी छोटी एक दो पेंटिंग लगी हुई हैं। और ये फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो ये हमारा किचन रहा, छोटा सा किचन है, छोटू सा, बिल्कुल छोटू सा है। काफ़ी बड़ा तो नहीं है पर बहुत छोटा है, जिसमें केवल दो लोग खड़े होकर खाना बना सकते हैं, तो उससे ज़्यादा तीन की स्पेस नहीं है। तो ये हमारा छोटू सा रहा किचन, ये देख सकते हैं। इसमें कम से कम 101 तरह के डिब्बे रखे हुए हैं, मतलब एक सेट के डिब्बे तो बिल्कुल नहीं है, दो ये हैं तो दो वो हैं तो दो वो हैं। और ये हमने फ्रिज के ऊपर पूरा डब्बा का ढेर लगा रखा है। और ये हमारा किचन रहा, और ये हमारी छोटी सी ये किचन की विंडो है। इधर भी डब्बा डब्बे रखे हुए हैं, और ये इधर हमारा एक्वागार्ड पानी लगा हुआ है। और ये हमारी छोटी सी बेसिन है, अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो ये हमारा छोटा सा किचन था। आप लोग को हमारा किचन कैसा लगा, हम लोग को हमारा छोटा सा महल कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा था। तो हमने अपने घर का होम टूर आप लोगों को करा दिया है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा घर कैसा था, कैसा है। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, कोई भी हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करता है तो प्लीज़ प्लीज़ जल्द से जल्दी जाइए हमारे वीडियो को देखिए, और प्लीज़ हमारे लाइक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। तो तब तक के लिए चलिए, हम अभी बने रहिए हमारे ब्लॉग में। लड्डू का छोटी से ली, लड्डू के दोस्तों का घर है, जिसमें दो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, दो से ज़्यादा तो नहीं है बट दो हैं, काफ़ी हैं। हमारे लड्डू भैया इन्हीं से बातें करते हैं, इन्हीं के साथ खेलते रहते हैं, इन्हीं के साथ चहकते रहते हैं। तो आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा ब्लॉग में हमारे, कि लड्डू भैया यहीं पर खड़े रहते हैं, इन्हीं से बातें करते रहते हैं, इन्हीं पर चिल्लाते रहते हैं, और इन्हीं को देख देख के खुश होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं।
ये हमारे लड्डू भैया के दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, यही हैं, इन्हीं से बातें करते रहते हैं। और ये हमने छोटा सा मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है। कहते हैं मनी प्लांट का पौधा घर में होने से बहुत सारी ढेर सारी मनी आती है, पर हमारे घर मनी तो ज़रूर नहीं आई, लेकिन छोटा सा मनी प्लांट का पौधा हमने ज़रूर लगाया है। अब लोगों ने कहा तो हमने सोचा हो सकता है बहुत सारे मनी की बरसात हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कहने और सुनने की बातें हैं। तो चलिए, और ये हमारे भैया का, लड्डू भैया का रहा, इसमें हमारे लड्डू भैया बैठने के लिए, मतलब बैठते हैं, बैठने के लिए हमने ख़रीदा, पर उसमें बैठते नहीं हैं, बस इसका ऐसे मुंह नोचेंगे, ऐसे कान नोचेंगे, बस इस खेलते रहते हैं, लेकिन बैठते नहीं हैं, बैठने के लिए रोते रहते हैं। तो ये हमारे लड्डू भैया का बेड चेयर, जो भी मानिए, तो ये हमारे लड्डू भैया का है। और ये इधर हमारे लड्डू भैया का बिस्तर बना हुआ है, छोटा सा बिस्तर ही हमने बिछा रखा है, और ये छोटी सी पिलो हमारे लड्डू भैया की है। तो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे लड्डू भैया के खेलने का सामान है, उनको खिलौने नहीं चाहिए, रिमोट चाहिए, क्रीम पाउडर चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए खेलने के लिए। उन्हें खिलौनों से बिल्कुल नहीं, मतलब बड़े लोगों वाली यूज करने वाली चीज़ें उनको चाहिए, इस्तेमाल करने वाली चीज़ें चाहिए, खिलौने तो उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। खिलौने तो उनको दे दो तो किसी का मुंह नोचेंगे, तो किसी का आंख निकालेंगे, तो किसी का कुछ करेंगे, बहुत ही शैतान है। तो और ये हमारी छोटू सी मंदिर है, इसमें काफ़ी सारे भगवान हैं, बहुत सारे भगवान हैं जिनकी हम सब सारे भगवान की हम पूजा करते हैं, ऐसे एक भी भगवान नहीं है जिनकी हम पूजा ना करते हुए। छोटू सी मंदिर है, लेकिन भगवान बहुत सारे, ढेर सारे इसमें रखे हुए हैं। तो चलिए हम एंडिंग करते हैं, और हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब सब कमेंट ज़रूर करिएगा।